नाम मोहम्मद समी खान है, ये हमारे मामा सफीउल्लाह। इनको 28 जून 2022 को सर में तुमसे बहुत तेज दर्द हुआ था, तो हमने इनका सिटी स्कैन कराया तो इनके दिमाग में ब्रेन हेमरेज निकला। लखीमपुर डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, किसी तरीके से हमको चरक हॉस्पिटल लखनऊ के बारे में मालूम हुआ। न्यूरो सर्जन डॉक्टर कमलेश अग्रवाल के द्वारा इनका ऑपरेशन किया गया, वो ऑपरेशन सक्सेसफुल है और हमारे मरीज आईसीयू से 5 दिन आईसीयू में रहने के बाद बाहर आके सही है। एक आध दिन में हमारी छुट्टी भी हो जाए। हम चरक हॉस्पिटल है और यहाँ का मेडिकल सर्विस और डॉक्टर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमलेश अग्रवाल, न्यूरोसर्जन चरक हॉस्पिटल दुबग्गा। ये पेशेंट 2 तारीख को हमारे पास इमरजेंसी वार्ड में आया था। इसके दिमाग में खून की एक गांठ बनी हुई थी, नस जो फट गई थी उसकी वजह से दिमाग में खून बहुत जगह फैला हुआ था। इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। इसको आते ही हमें इमरजेंसी में आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। जांचों के बाद पता चला कि इसकी किडनी भी डैमेज है और इसका ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, 220/120 इसका ब्लड प्रेशर चल रहा था। इसकी वजह से इसके दिमाग के खून की नस फट गई थी। इसका क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा था, 2.1 इसका क्रिएटिनिन चल रहा था। हार्ट भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, इस वजह से हमको इसको इमरजेंसी वार्ड में लेना पड़ा और अर्जेंट इसका ऑपरेशन प्लान करना पड़ा। अगले दिन हमने न्यूरोसर्जरी टीम ने और आईसीयू टीम ने मिलकर इसका ऑपरेशन किया। इसके दिमाग में खून की नस को रोकने के लिए क्लिपिंग ऑपरेशन किया। मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि दिमाग में खून की नस की कोई भी गांठ, खून के थक्का बनना या पैरालिसिस, अटैक इत्यादि की बीमारियां हमारे अस्पताल में पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से ऑपरेशन संभव है। आज ये मरीज पूर्णतया स्वस्थ है और अपने घर जा रहा है। धन्यवाद।